नमस्कार, जय माँ देवी भगवती। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा पूर्वज का बनाया हुआ मंदिर माँ दुर्गा का, अम्बे जी का मंदिर है। ये धोनी बोलते हैं, ये चौखंडी की धोनी है। इसको प्रभु जिस पर अवतारित होते हैं उन्हीं लोगों का अधिकार होता है इसको छूने का, जाने का। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये माँ दुर्गा हमारी विराजमान है साक्षात। ये उनका मंदिर है और ये पूरा विराजमान है यहाँ पे। ये प्रभु हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। ये माँ अम्बे जी की आरती आप देख सकते हो, पूरी आरती लिखी हुई है। जिस भी जो भी यहाँ पे आते हैं माँ की आरती गाते हैं, ये पूरी आरती लिखी हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर माँ लक्ष्मी जी की आरती लिखी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं पूरे। और यह पूरा घंटियों से माँ का मंदिर पूरा सजा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। ये उत्तराखंड में भिक्यासन के नज़दीक जैठा गांव का एक माँ का बहुत विशाल मंदिर है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मान्यता है कि माँ से जो फरियाद करता है माँ ज़रूर सुनती है और माँ अपने भक्तों को बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ी है, भिक्यासन के नज़दीक जाठा गांव है, उनका अपना निजी मंदिर है ये पूरे गांव का। यहाँ ऐसा मानना है कि माँ के जो भक्त होते हैं जिस भी रूप में माँ को पुकारते हैं माँ जरूर सुनती है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये माँ का पूरा मंदिर है और जो भी माँ के दरबार में आता है और माँ उसकी जरूर सुनती है। और कुछ भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और माँ से प्रार्थना करके अपना यहाँ विश्राम करते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ बहुत अच्छी तरह, देखो यहाँ सूर्य अस्त हो रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है पूरा। देखो आप, दिखाऊंगा आपको, पूरी पहाड़ी एरिया है और इधर पूरी घनघोर बारिश से बहुत सुंदर मौसम। ये जो हरिद्वार में जा रही है रामगंगा नदी, ये आप शायद देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जूम आउट दिखा रहा है पूरा। इधर सारे गांव बसे हुए हैं, ये भिक्यासन का एक क्षेत्र है जहाँ पे त्रिवेणी बोलते हैं। ये रामगंगा नदी आप देख रहे होंगे, वो नदी जा रही है और ये मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही सुंदर दृश्य। ये कुछ लोग आए हुए हैं मंदिर में, बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बालक उधर देखो नटखट चीड़ के फल तोड़ रहा है, इसको आप देख सकते हैं पूरे लठ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे टूट नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। और इधर ये आम का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, ऊपर चीड़ का पेड़ है, पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य। ये हम लोग बहुत माँ के चरणों में आज आए हुए हैं, माँ का बुलावा था तो माँ के दर्शन करने आ गए। बहुत ही सुंदर मंदिर है और ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ फरियाद मांगते हैं माँ से, माँ अपने भक्तों की जरूर सुनती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप आएँ और माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और ये कोरोना काल के चलते हुए यहाँ कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, मंदिर में आने की इजाज़त बहुत कम लोग हैं। जो स्थानीय निवासी हैं बस उन्हीं को आने की इजाज़त है, बाकी बाहर के लिए अभी मंदिर के दर्शन बंद हैं। तो एक बार मैं आपसे लोगों से कहना चाहूँगा, आप माता की जयकार लगाएं, बोलो माता भगवती की जय, दुर्गे माता की जय, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।